झाबुआ से गुजर रहे नेशनल हाईवे NH-47 के ग्राम डुंगरा लालू पंचायत के समीप अफीम के डोडा की तस्करी कर रहा वाहन कार पटने की वजह से हाईवे की रेलिंग से चटक रहा है। दुर्घटना के बाद वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर पलट गया। दुर्घटना में मौके पर ही वाहन चालक की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने के बाद झाबुआ कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त वाहन को चेक किया तो पाया गया कि बड़े सतारिया तरीके से महिंद्रा XUV 500 कार में करीब 100 बोरे काली पॉलिथीन में पैक कर अफीम डोडा चूरा से लदे थे। झाबुआ पुलिस ने जब्त अफीम और कार को जब्त कर थाने ले गई और झाबुआ थाना प्रभारी संजय रावत ने बताया कि मृतक की बॉडी से दूरभाष नंबर लिखी हुई डायरी मिली है जिसमें मृतक की पहचान राजस्थान के बाड़मेर जिले से हुई। वहीं वाहन मालिक गुजरात के ग्राम बनास काठा के रामकृष्ण के नाम बताया जा रहा है। पूरे मामले पर अब पुलिस ने अफीम के डोडा की तस्करी के तार कहां से जुड़े हैं और पूरे मामले में कौन कौन आरोपी है का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। झाबुआ से दीपेश प्रजापति की रिपोर्ट। अहमदाबाद बैतूल हाईवे रोड पर सुबह की घटना है। एक एक्सीडेंट हुआ है, रेलिंग से गाड़ी टकराई है, महिंद्रा XUV 500 जो पलटी खाई है जिससे एक व्यक्ति मौके पर ही मौत हुई है। और जब पुलिस को सूचना मिली मौके पर गए तो एक व्यक्ति की डेथ हो चुकी थी जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। साथ ही जो पूरा निरीक्षण करने पर कुछ डोडा चूरा की बोरियां मिली है उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी 10 बोरे मिले हैं और लागत का भी मूल्यांकन अभी चल रहा है, जैसा भी होगा आगे बता दिया जाएगा। मृतक की शिनाख्त जैसलमेर एक डायरी मिली है जिसमें जैसलमेर का व्यक्ति होना पाया गया है तो उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है तो आ रहे हैं। गुजरात जो गाड़ी मिली है वो गुजरात पासिंग की है, बनास कांडा का एड्रेस पाया गया है। जो कृष्ण राम नाम का व्यक्ति आ रहा है तो उसके उसको भी हम लोग आगे ट्रेस कर विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है।